ओके, तो हम रजिस्टर्स पढ़ रहे थे, तो और हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए थे एंड सेगमेंट रजिस्टर्स कंप्लीट हो गए थे। तो हमें आज पढ़ना है पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। वैसे हम जानते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स क्या करता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ऑफसेट वैल्यू, किसकी, टॉप ऑफ द स्टैक की ऑफसेट वैल्यू स्टोर करके रखता है हमारा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक मेमोरी का एक सेक्शन है जिसे किसी सब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय एड्रेस एवं डेटा स्टोर करने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है। पहले स्टैक के बारे में बता दिया कि वो एक सब प्रोग्राम है, सब रूटीन वाला जो प्रोग्राम होता है ना, सब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय एड्रेस एवं डाटा स्टोर करने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है, अलग किसमें, मेमोरी में। ठीक, 8086 में एक 64 किलोबाइट की संपूर्ण सेगमेंट स्टैक के लिए रिजर्व रखी जा सकती है। देखो इसमें सकती है क्यों लिखा, क्योंकि हम 64 किलोबाइट भी रख सकते हैं और इससे कम की सेगमेंट भी रख सकते हैं। किसके लिए, स्टैक के लिए, है ना, रिजर्व रखी जा सकती है। इस सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बिट्स स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में होल्ड रहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर सेगमेंट के स्टार्ट से उस मेमोरी लोकेशन का ऑफसेट होल्ड करता है जहां पर सबसे अंतिम वर्ड, मोस्ट रिसेंट वर्ड स्टोर किया गया है। वही टॉप ऑफ द स्टैक की बात हो रही, जो सबसे लेटेस्ट जहां पर वर्ड स्टोर किया गया, वही तो टॉप ऑफ द स्टैक होगा, है ना। वह मेमोरी लोकेशन जहां पर सबसे अंत में वर्ड स्टोर किया गया है टॉप ऑफ द स्टैक कहलाती है। ठीक है ना, तो ये अब आपको समझ में आ गया पूरा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या है। देन हम पढ़ते हैं फिर क्या, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। तो देखिए, जो स्टैक सेगमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में, है ना। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर किस में होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कहाँ पे होता है, बस इंटरफेस यूनिट में होता है। एक बार डायग्राम, एक बार वो जो आपका आर्किटेक्चर ऑफ 8086 है उसमें देखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक ही पॉइंटर रजिस्टर है जो स्टैक, सिर्फ कौन सा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, वो सिर्फ होता है बस इंटरफेस यूनिट में। बाकी सब कहाँ होते हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट में। ठीक है, तो फिर देखिए, बस इंटरफेस यूनिट का एक अन्य मुख्य रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है। कोड सेगमेंट रजिस्टर कोड सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को एड्रेस के है सॉरी है ना के अपर 16 बिट होल्ड करता है, जहां से बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन कोड फेच करता है। ठीक है ना, कोड सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करके रखता है कौन, कोड सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को कौन स्टोर करके रखता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है ना, जहाँ से बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन कोड फेच करता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कोड सेगमेंट के अगले कोड बाइट का 16 बिट एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर द्वारा प्रदर्शित यह मान प्रायः ऑफसेट अथवा इफेक्टिव एड्रेस कहलाता है। ऑफसेट को सेगमेंट बेस एड्रेस में जोड़कर मेमोरी लोकेशन का 20 बिट फिजिकल एड्रेस ज्ञात किया जाता है। ये सब क्लियर हो गया होगा ना, ये सब हम समझ चुके हैं, पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। देखिए अब इसके आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये दो रजिस्टर्स इम्पॉर्टेंट है, दो पॉइंटर रजिस्टर, कौन से, स्टैक पॉइंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है ना, इसके अलावा हम और भी पढ़ लेंगे, वैसे इसमें हमारे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है, स्टैक पॉइंटर भी है, लेकिन हम इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बेस पॉइंटर रजिस्टर। बेस पॉइंटर इज आल्सो कंटेन एन ऑफसेट वैल्यू ऑफ स्टैक, है ना, स्टैक लाइक स्टैक पॉइंटर, है ना। स्टैक पॉइंटर की तरह बेस पॉइंटर भी ऑफसेट वैल्यू स्टोर करके रखता है ना, लेकिन और किसका, स्टैक सेगमेंट का ही, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये रैंडम सिलेक्शन के लिए होल्ड करके रखता है। अनलाइक स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर कैन होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन इन द स्टैक सेगमेंट, है ना। अनलाइक स्टैक पॉइंटर मतलब स्टैक पॉइंटर की तरह नहीं,
मतलब स्टैक पॉइंटर से डिफरेंट बेस पॉइंटर क्या होल्ड कर रखता है, ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन इन द स्टैक सेगमेंट। इट इज़ यूज टू एक्सेस रैंडम लोकेशन ऑफ द स्टैक। इट इज़ यूजली यूज बाई सब रूटीन्स। अनलाइक द स्टैक पॉइंटर, द बेस पॉइंटर कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द ऑफसेट ऑफ अदर प्रोग्राम सेगमेंट। ये एक एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि हम किसी ऑफसेट ऑफ अदर प्रोग्राम सेगमेंट्स, हमने किसी मतलब है ना, वैसे एक्स्ट्रा क्या है जो ऊपर लिखा हुआ, वही लिखा सब रूटीन मतलब अदर प्रोग्राम सेगमेंट्स है ना भाई, अदर किसी प्रोग्राम का कोई सेगमेंट है अलग से, वही सब रूटीन वाला, तो हम उसके भी क्या कर सकते हैं, ऑफसेट इसमें सेव कर सकते हैं किसमें, बेस पॉइंटर रजिस्टर्स में। ठीक, सोर्स इंडेक्स क्या है, देखो इट होल्ड्स ऑफसेट एड्रेस फॉर डेटा सेगमेंट रजिस्टर ड्यूरिंग स्टार्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन है ना। स्ट्रिंग ऑपरेशन मतलब जब हमारा प्रोग्राम एक के बाद एक कई सारे डाटा के साथ है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक कई सारे डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा हो लाइक है ना। इट होल्ड ऑफसेट एड्रेस फॉर डाटा सेगमेंट रजिस्टर ड्यूरिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन। होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ सोर्स डाटा इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, होल्ड एड्रेस ऑफ सोर्स, होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ सोर्स डाटा, ठीक है ना, सोर्स डाटा, या फिर इसको हाँ फॉर डाटा सेगमेंट पहले बता दिया गया। ठीक है ना, होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ सोर्स डाटा इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। एंड देन फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स, इट होल्ड्स ऑफसेट एड्रेस फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। होल्ड ऑफसेट एड्रेस, होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन डेटा इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है फिलहाल, आपका कौन सा इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका एक नया स्टार्ट होता है, कौन सा, मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, फ्लैग रजिस्टर्स। ठीक है ना, फ्लैग रजिस्टर्स ऑफ 8086। तो देखिए अगर हम फ्लैग रजिस्टर्स ऑफ 8086 की बात करें तो इसमें कितने बिट का होता है, हमारे 8085 में 8 बिट का था लेकिन इसमें कितने का बिट का है, 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर्स है। ठीक है ना, चलो हम देखते हैं पहले उसे। देखिए फ्लैग 8086 है, कितने बिट के, देखो 0 to 15 कितने, 16 बिट का हमारा क्या है, फ्लैग रजिस्टर्स है। 0 to 7 सेम वैसे ही जैसा किसमें था, 8085 में, 8085 कंपैटिबल फ्लैग्स, 0 से 7 तक कोई चेंज नहीं है, सेम वैसे ही फ्लैग्स हैं जैसे कैसे थे, किसमें थे, 8085 में है ना, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लाइक फिर भी हम देखिए पढ़ते हैं इन्हें पूरा। देखिए ये क्या था, कैरी फ्लैग था, फिर डोंट केयर, फिर पैरिटी फ्लैग था, फिर डोंट केयर ऑक्सिलरी कैली, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग था, फिर डोंट केयर था, फिर क्या था, जीरो फ्लैग था, और फिर साइन फ्लैग। यहाँ तक हम किसमें 8085 में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए डिफरेंट कितने हैं, 1 2 3 4, फोर क्या है, डिफरेंट है कंपैरेटिवली 8085। देखो कौन सा, ट्रैप फ्लैग, कौन सा, ट्रैप फ्लैग, और ये कौन सा है, इंटरप्ट फ्लैग, ये कौन सा है, डायरेक्शनल फ्लैग, और ये कौन सा है, ओवरफ्लो फ्लैग। चलो एक एक बार इन सब के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि है क्या ये। चलिए हम क्या किए, जैसे कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग हमें पता है, कैरी फ्लैग कब वन होता है, कैरी फ्लैग भाई ये सब क्या, तो ये 1 और 0 होते हैं लेकिन कब होते हैं, कैरी फ्लैग कब वन होता है, जब वन कब होता है, जब कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब अगर अगर हमारा 8 बिट एडिशन है तो D7 बिट से, D7 बिट जो क्या कैरी जनरेट करेगा उसके बारे में बात हो रही है ना, अगर D7 बिट कैरी जनरेट करता है तो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर D7 बिट कैरी नहीं जनरेट करता तो क्या होगा, 0। ठीक है ना, एंड देन फिर पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग मतलब जो अगर हमारा जो आंसर आया है उसमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगर वो ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो क्या होगा, पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा। देखो इवन और ऑड, ये वंस के बारे में हो रहा है, रिजल्ट में इवन और
ऑड वंस के बारे में। अब कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। जैसे हमने कैरी फ्लैग पढ़ा था, कैरी फ्लैग कब वन होता है, जब डी सेवन बिट कैरी जनरेट करता है। उसी तरीके से ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब वन होता है, जब निबल, निबल मतलब फोर बिट, फोर बिट मतलब डी थ्री बिट जब कैरी जनरेट करता है। तो हमारा निबल क्या, ये जो कैरी फ्लैग क्या होता है, कैरी ऑक्सिलरी कैरी कैरी फ्लैग क्या होगा, वन होगा, जब निबल मतलब चार बिट, चार बिट में जीरो वन टू थ्री, डी थ्री बिट अगर हमारा कैरी जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, डी थ्री बिट कैरी जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर कैरी जनरेट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो रहेगा। अब फिर क्या है ज़ीरो फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग हम ये भी हम जानते हैं कि जब रिज़ल्ट ज़ीरो होगा तो ये कैरी फ्लैग वन हो जाएगा, अगर रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो रहेगा। अब साइन फ्लैग, साइन फ्लैग के बारे में हम जानते हैं, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी डी सेवन बिट ऑफ द रिज़ल्ट, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ रिज़ल्ट इज़ वन तो सीधे वन कॉपी हो जाएगा, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो तो सीधे ज़ीरो कॉपी हो जाएगा। कहाँ पे, साइन फ्लैग में। अच्छा वन आ रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब रिज़ल्ट क्या है, नेगेटिव है, और ज़ीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो हमारा ये क्या हो गया, ज़ीरो फ्लैग हो गया, सॉरी कौन सा, साइन फ्लैग हो गया। तो हम ये साइन फ्लैग तक ये हमारे कौन से 8085 वाले सारे फ्लैग कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि ट्रैप फ्लैग क्या है, ध्यान से देखिएगा, ट्रैप फ्लैग देखिए क्या है। ट्रैप फ्लैग के बारे में कह रहे हैं परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग। अब देखो जो ये सारे फ्लैग कैसे थे, ये सारे फ्लैग हमारे रिजल्ट से अफेक्टेड हो रहे थे, जैसा हमारा रिजल्ट आएगा उसी से अफेक्टेड हो रहे थे, ठीक है ना, ये हमारे रिजल्ट पर डिपेंडेंट थे सारे। जब हमने अगर एडिशन किया है तो ये बाकी ये तो फिर ये किस पे, उसी पे डिपेंडेंट था ना। लेकिन ये ट्रैप फ्लैग हो गया, इंटरप्ट फ्लैग हो गया और डायरेक्शनल फ्लैग हो गया, तीन फ्लैग, ट्रैप, इंटरप्ट और डायरेक्शनल फ्लैग हमारे कौन से फ्लैग हैं, कंट्रोल फ्लैग हैं। अभी कंट्रोल फ्लैग है मतलब ये हमारे, हम इसे जीरो और वन कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। हम चाहें तो ट्रैप को ज़ीरो कर दें, हम चाहें तो ट्रैप को वन कर दें। सेम इंटरप्ट फ्लैग को भी हम चाहें तो ज़ीरो वन कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और डायरेक्शनल फ्लैग को भी हम चाहें तो ज़ीरो और वन कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे फ्लैग, एक ओवरफ्लो फ्लैग भी है, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ओवरफ्लो फ्लैग भी है। सिक्स फ्लैग किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे रिजल्ट पर डिपेंड करेंगे। और बाकी ये तीन फ्लैग, ट्रैप, इंटरप्ट और डायरेक्शनल किस पर डिपेंड करेगा, ये हम पे, हम चाहें तो इसे ज़ीरो दे दें, हम चाहें तो इसे वन दे दें। अब देखो क्या है ये ट्रैप फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, ट्रैप का मतलब अगर परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग, अगर हमें सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म करनी है तो हम इसे वन दे देंगे, अगर हमें सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म नहीं करनी है तो हम इसे क्या दे देंगे, ज़ीरो दे देंगे। अच्छा ये सिंगल स्टेपिंग अब है क्या, सिंगल स्टेपिंग मतलब जैसे हमने बहुत लंबा कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है ना, अब प्रोग्राम में एरर आ रही है, अब प्रोग्राम में काफ़ी लंबा प्रोग्राम है और इरर आ रही है, और अब हम कैसे पता करें कि प्रोग्राम में किस स्टेप में इरर है, तो हम क्या करते हैं, ट्रैप फ्लैग वन कर देंगे। मतलब परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग, सिंगल स्टेपिंग का मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन, जैसी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी फिर से हमारा क्या, ट्रैप फ्लैग देखेंगे, और क्या ट्रैप फ्लैग क्योंकि वन है, सिंगल स्टेपिंग चेक होगी और रिजल्ट देखा जाएगा। हर एक स्टेप में हम क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे कि हमारा सही है या नहीं है, जो हम डिसाइड हमारा रिजल्ट है कि अब वहाँ पर वो आ रहा है ऐसी, मगर हर स्टेप में ही अगर चेकिंग करते रहे रिजल्ट की तो हमें फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर हमारा डिजायर्ड, जो हमें रिजल्ट चाहिए था जिस स्टेप में, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा आपका एरर कहाँ पर है। तो हर एक स्टेप में जब हमारा क्या हो जाए, हमारा जैसे कहते हैं डीबगिंग हो जाए हर एक स्टेप पर, तो क्या कहेंगे उसे, परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग। और ये ट्रैप क्या था, इंटरप्ट ही तो होता है, हर एक स्टेप के बाद इंटरप्ट हो जाए तो क्या कहेंगे उसे, ट्रैप, क्या कहते हैं, ट्रैप फ्लैग इंटरप्ट, है ना, हर एक स्टेप के बाद हमारा क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए। तो परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग तो वन कर देंगे, अगर हमें सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म नहीं करनी तो ट्रैप फ्लैग क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखते हैं इंटरप्ट फ्लैग क्या है। अब देखो इंटरप्ट फ्लैग मतलब अगर हमें इंटरप्ट इनेबल करना हो, और कौन से इंटरप्ट, अब इंटरप्ट तो मास्केबल की नॉन मास्केबल, देखो नॉन मास्केबल इंटरप्ट को तो आप इनेबल या डिसेबल कर ही नहीं सकते, उनको तो आना है तो आना है, तो उनमें तो आप डिसेबल वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हम ये किसके लिए है, इंटर फ्लैग इनेबल इंटर, जो कौन से हैं, मास्केबल हैं, जिसको हम मास्क कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं ना। तो अगर हमें जो मास्केबल इंटरप्ट है उसे, उन्हें इनेबल करना है तो क्या होगा,
वन हो जाएगा। जब ये वन हो रहा है, वन होगा इंटरप्ट फ्लैग जब वन होगा तभी ही फ्लैग वो जो इंटरप्ट्स क्या है आ सकते हैं। अगर हमने डिसेबल कर दिया तो इंटरप्ट कभी अब आ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इंटरप्ट फ्लैग अगर हमें इनेबल करना है तो हम क्या करेंगे, इनेबल इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट इनेबल करना है तो इंटरप्ट फ्लैग क्या कर देंगे, वन कर देंगे। अगर हमें मास्केबल इंटरप्ट डिसेबल करना है तो क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है ना। ये किसके बारे में है, सिर्फ मास्केबल इंटरप्ट्स के। अब देखिए डायरेक्शनल फ्लैग है, लेट कोई हमें, हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमें स्टेप बाई स्टेप एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या होगा, हमें जो होगा, हमें क्या कहते हैं एड्रेस क्या होगा, वो तो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एक से इंक्रीमेंट 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 करते जाएंगे, तो हमारा क्या है, एक एक एड्रेस वाला डाटा हमारा एग्जीक्यूट हो गया, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, फिर चौथे वाला। तो ऐसे अगर हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो क्या होगा, डायरेक्शनल फ्लैग ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हमें वही डिक्रीमेंट करना है, मतलब उल्टा चलना है नीचे से ऊपर, तो डायरेक्शनल फ्लैग क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऑटो डिक्रीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल फ्लैग वन हो जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हमारा डायरेक्शनल फ्लैग क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। देखो ये ओवरफ्लो फ्लैग क्या एक नया है रिजल्ट में, हमने सब यहाँ तक तो रिजल्ट में हमने चेक करके देखे थे सारे साइन फ्लैग तक, लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में नहीं पढ़ा था। तो इसके बारे में क्या, पहले तो मैं ओवरफ्लो क्या होता है आखिरकार, इसको समझने के लिए एक क्लास लगेगी, है ना, कि ओवरफ्लो आखिरकार होता क्या है, जो रिजल्ट में ओवरफ्लो हम कैसे पहचानते हैं कि ओवरफ्लो है या नहीं है। फिर इसके बारे में हम एक कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे हम फिर से सारे रिवाइज़ कर लेंगे कि सारे फ्लैग्स वन और ज़ीरो स्टेटस सारे फ्लैग का देख लेंगे। तो ओवरफ्लो फ्लैग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आखिरकार होता क्या है। तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या, ओवरफ्लो ऑकर्ड तो वन, और नॉन, अगर ओवरफ्लो नहीं ऑकर्ड है तो ज़ीरो। तो ये सारे आपके ओवर आपके फ्लैग कंप्लीट हुए, ठीक। अब देखिए बाकी सारे फ्लैग आपके कौन से, प्रीवियस वाले ही हैं, तो बाकी सारे ये आपका आपका काम है कि सारे फ्लैग आपको कौन से, जो ये आपके देखो कंडीशनल फ्लैग और सिक्स कंडीशनल फ्लैग हैं जो हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं, और ये तीन कौन से कंट्रोल फ्लैग हैं जो हमारे हाथ में, हम चाहे वन दें चाहे ज़ीरो दें। देखिए आपकी जो फाइव साइन फ्लैग तक हैं, है ना, तो आपके जो ये तो हमारे का 8085 के, तो ये आपको अपने आप से लिखना है, ठीक है ना। 8085 के रिपीटेड ही हैं सेम। एंड ये ट्रैप इंटरप्ट और डायरेक्शनल फ्लैग, देखिए जैसे ट्रैप फ्लैग है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका प्रयोग प्रोग्राम का सिंगल स्टेपिंग के लिए किया जाता है। पहले आप ये लिखोगे ट्रैप फ्लैग, इसका प्रयोग प्रोग्राम द्वारा सिंगल स्टेपिंग के लिए किया जाता है, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद ये जो ट्रैप फ्लैग के हमने जो पढ़ा था ना, ये देखिए ये ट्रैप फ्लैग परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग देन ज़ीरो, डू नॉट परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग देन ज़ीरो, है ना, ये भी लिखोगे इसके बाद। और फिर आप इंटरप्ट फ्लैग लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, इसका प्रयोग प्रोग्राम इंटरप्ट को इनेबल डिसेबल करने के लिए किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इंटरप्ट के फ्लैग ये भी लिखोगे, फिर इंटरप्ट फ्लैग इनेबल इंटरप्ट तो वन और डिसेबल इंटरप्ट तो ज़ीरो। सेम ऐसे ही लिखोगे, पूरी नोट्स ऐसे ही बनाओगे आप। डायरेक्शनल फ्लैग, इसका प्रयोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ किया जाता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ जो काफ़ी सारा डेटा एक साथ हम एग्जीक्यूट कर रहे हो लाइक, है ना। तो देखो फिर आप क्या लिखोगे, डायरेक्शनल फ्लैग में ऑटो डिक्रीमेंट के लिए वन और ऑटो इंक्रीमेंट के लिए ज़ीरो, ऐसे ही लिखोगे आप इन तीनों को, ठीक है ना। पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद उसके ज़ीरो और वन वाले कंडीशन लिखोगे, फिर ये लिखोगे आप डेफिनेशन, फिर ज़ीरो वन वाली कंडीशन, सेम तीनों को ऐसे लिखोगे, और इस और फिर आप, है ना, और बाकी सब आप कैसे लिखोगे, जैसे आपने 8085 में लिखा हुआ था, ठीक। तो ये आपके पूरे आप फ्लैग्स हो गए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार ये ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो को समझने की कोशिश करेंगे, ओवरफ्लो आखिरकार क्या होता है, देन कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।